पहले तो गुड इवनिंग, मैंने ये पहले भी कहा है, थैंक यू सो मच मीडिया, आप यहाँ पर आए हैं और हमारी फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं, आप ही हैं जो हमारी फिल्म ऑडियंस तक लेके जाएंगे, सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। हम ऑब्वियसली, जाहिर सी बात है, हमारी फिल्म बाहर आ रही है तो हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। ये फिल्म हमने बहुत ही ज़्यादा दिल से, मेहनत से बनाई है, सो वी आर ऑल वेरी वेरी एक्साइटेड। आई स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर टीम, हम बहुत ही खुश हैं, बहुत ही एक्साइटेड हैं कि ये फिल्म बाहर आ रही है और आज हम ट्रेलर ऑन लॉन्च करने वाले हैं और बस यही उम्मीद है कि आप सबको पसंद आए और हमें सपोर्ट कीजिए एंड जितना हो सके हमारे ट्रेलर को ऑडियंस तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए ताकि हमारी जो मेहनत है वो रंग लाए और थैंक यू सो मच। इस ट्रेलर लॉन्च के मौके पर मैं ये कहना चाहूँगा, इस फिल्म को मैंने दो बार देखा है और ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनी है। चूँकि मैंने इसको बहुत ध्यान से और गौर से देखा है, इस वजह से मैं ये विशेषण इस्तेमाल कर रहा हूँ कि बहुत बेहतरीन फिल्म है। ये वाकई बहुत अच्छी फिल्म है और इस फिल्म ने दिल को छुआ है मुझे, और हमारे जो मित्र हैं, हमारे डायरेक्टर अरशद सिद्दीकी ने बहुत ही मेहनत से इस फिल्म को लिखा है, बहुत ही मेहनत से इसके गाने लिखे हैं। गाने आप जानते हैं, गाने लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और इस फिल्म को बहुत ही मेहनत के साथ बनाया है, बहुत ही सहेज के एक एक शॉट्स बहुत ही सोच विचार करके, और इसका स्क्रीन प्ले बहुत ही इतना क्रिस्प है। एक बहुत बड़ा मैसेज, एक दो कम्युनिटीज़ को जोड़ने की कोशिश इस फिल्म के द्वारा की गई है। मैं ये मानता हूँ कि अरशद का अब तक का जो भी फिल्म मेकिंग का काम है उसमें ये उनका बेस्ट काम है। मैंने उनको बोला भी और उन्होंने ये बात स्वीकार भी की। सो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की मदद से इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका मैसेज पहुँचाया जाए। इस फिल्म के बारे में जो कुछ भी आप कह सकें, जो कुछ भी आप आगे बढ़ा सकें, ज़रूर बढ़ाएं ताकि इस फिल्म को एक मुकाम मिले। इस तरह की फिल्मों को ज़रूर एक बड़ा मुकाम मिलना चाहिए, क्योंकि ये एक संदेश लेके जा रही हैं, एक समाज में एक संदेश लेके लोगों तक, लोगों को एक बेहतरी के लिए, एक समाज की बेहतरी के लिए इस तरह की फिल्में बनती हैं। सो मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान से इस फिल्म के बारे में आगे कहें। थैंक यू वेरी मच। आप लोग एक्साइटेड हैं सर? आप लोग एक्साइटेड हैं तो हम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं एंड बहुत खुश हैं कि जिस मोमेंट का इंतजार था एंड दैट इज हियर, तो आई एम सुपर एक्साइटेड। थैंक यू सो मच। इसमें हमारी फिल्म शुभनिका जो 17 ऑफ मार्च को रिलीज़ होने जा रही है, इसमें मेरा किरदार, मैं एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता हूँ जिसके साथ मेरा एक निकाह तय है जोया फराज से, लेकिन जोया फराज जब बड़ी होती है उसे और किसी लड़के से प्यार हो जाता है, हिंदू लड़के से। फिर मुझे लगता है यार, मैं जिसके साथ बचपन से मेरा प्यार है वो बाहर बड़े होकर और किसी से प्यार कर रही है, तो फिर मेरा यही होता है पूरी फिल्म में कि उसे मुझे प्रोटेक्ट करना है, मुझे उसे रोकना है कि यार मैं बचपन से तेरे से प्यार करता हूँ, मेरे से प्यार करना, बाहर क्यों जा रही है। मतलब फिर वो बोलती है नहीं, मुझे तू पसंद नहीं है, मुझे और कोई पसंद है। लेकिन फिर वो लास्ट में हमें, अब आप लोग एक फिल्म में देखिएगा कि लास्ट में हमारा शुभ निकाह होता है या नहीं होता, या उनका शुभ निकाह होता है नहीं होता। थैंक यू। शुभनिका एक क्रॉस कल्चर लव स्टोरी है, एंटरटेनिंग फिल्म है, एक हैप्पीनेस, टुगेदरनेस और पीसफुल मैसेज देती है। वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व एक परिवार है, वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, यही एक मैसेज है शुभनिका में कि प्यार में कोई बैरियर, कोई लैंग्वेज, कोई रिलीजन, ये सब कुछ होता नहीं है। बड़े बड़े फिलोसफर्स ने, सेंट्स ने, हमारे पूर्वजों ने यही कहा है। उसी चीज़ को मैं कुछ नया नहीं कह रहा हूँ, उसी चीज़ को मैं नए ढंग से प्रेजेंट कर रहा हूँ जो मुझे लगता है कि लोगों को बहुत अच्छा लगेगा।
और एक नई परिभाषा तो है प्रेम की हमारे कल्चर में, और नए दौर नए युग के साथ यूथ के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली फिल्म है, बहुत एंटरटेनिंग फिल्म है। ट्रेलर देखिए आपको अंदाज़ा होगा। हाँ, इसमें ये ज़रूर है कि मीडिया से मैं ये सपोर्ट ज़रूर मानूंगा कि जब कोई नई चीज़ आती है तो थोड़ी सी अटपटी ज़रूर लगती है, लेकिन बाद में अगर आप उसे लोगों तक पहुँचाते हैं, समझाते हैं अच्छे ढंग से, अगर आप उनको बताते हैं तो बात समझ में आ जाती है। हमें जो है वो अनेकता में एकता है, यूनिटी है, इसी बात को कहनी है, और इसी बात को फिल्म के माध्यम से भी सोसाइटी को जो देना है वो यही देना है, यही मैसेज देना है। और बाकी प्रोड्यूसर साहब, Hey Ritesh on this great movie and his expansible awards, and thank you for honoring us, all the best. I want to congratulate Ritesh on his expansive role and best of luck on this film. Thank you. कैसे हैं आप लोग? जी सफ़रनामा में आज मुझे यहाँ सत्व फेस्टिवल चल रहा है, यूथ फेस्टिवल चल रहा है, उसमें आने का मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है। बहुत खुशी महसूस हो रही है। क्यों हो रही है? उसका कारण ये है कि यहाँ पे आने के मेरे दो कारण हैं, तीन कारण हैं। पहला कारण मुंडे जी, मुंडे मीडिया, मेरे मित्र रमाकांत मुंडे। मेरी आज फिल्म का ट्रेलर लॉन्च था, मैं वहीं पे था। अभी मेरी फिल्म आ रही है शुभ निकाय, उसका ट्रेलर लॉन्च था, वहाँ से मैं सीधे यहाँ पे आया क्योंकि मुंडे जी का आदेश था कि आपको आना है। मैंने कहा मैं आऊँगा। दूसरा कारण रॉनी जी, जिन्होंने इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है। तीसरा ये सत्व फेस्टिवल सफ़रनामा, क्योंकि मेरी जो जड़ें हैं वो थिएटर से ही हैं। आज से 45 साल पहले ऐसे ही मैंने यूथ फेस्टिवल से शुरुआत की थी हरियाणा से, और उसके बाद फिर मैंने खूब एमेच्योर थिएटर किया, फिर प्रोफेशनल ट्रेनिंग शुरू की डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर चंडीगढ़, जहाँ से मैंने ड्रामा में डिप्लोमा किया, ड्रामा में एमए की, और फॉर्चुनेटली मैं ड्रामा में पहला गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ इंडियन थिएटर से। तो थिएटर से होने के कारण मुझे थिएटर वालों से बहुत प्यार है। आज ये सफ़रनामा में बच्चे डिफरेंट डिफरेंट प्लेज आए हैं, जगह जगह से प्लेज आए हैं, वो प्लेज दिखाए जा रहे हैं। ये एक नए टैलेंट की शुरुआत है, यहाँ से शुरुआत होती है। अब इनमें से पता नहीं कौन कहाँ कहाँ कितना टैलेंटेड निकलेगा, कहाँ कहाँ पहुँचेगा। तो मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं सफ़रनामा को देता हूं, सत्व को देता हूं। मैं साथ ही साथ रमाकांत जी को बुलाना चाहूंगा और रमाकांत जी का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इस मौके पर आने का अवसर प्राप्त किया। थैंक यू वेरी मच रमाकांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इनका फिल्म का प्रमोशन था तो मैं वहाँ पर गया और उनको कहा कि मेरे साथ चलना, बोले तुम आगे जाओ मैं आपका। और दूसरा अभी क्या है कि मुझसे आज बहुत से लोग, मुझे बहुत से अपने मीडिया के लोग भी मिले और बाकी, अरे आपकी शक्ल बदल गई, आप पहचान में नहीं आ रहे हैं, दाढ़ी बढ़ गई ना, अदरवाइज़ वो तथाचार्य के गेटअप में सब देखते थे, तेनालीराम आ गया टकला है ना। तो अभी ये मेरा वो शो चल रहा है दिल दियाँ गल्ला सोनी सब पे, आप सब भी देखिए, एंजॉय कीजिए, बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू। ये इस फिल्म से मेरा वनवास ख़त्म हुआ, आई एम सॉरी। थैंक्स टू ऑल, जो आप सब यहाँ पर आए हुए हैं सारे लोग। मेरा नाम लियाकत नासिर है और मैं इसमें माता प्रसाद पांडे का एक किरदार कर रहा हूँ, जो थोड़ा सा अपने सामाजिक वैल्यू को लेके चलता है और वो चाहता है कि वो अपने समाज के लिए कुछ करे। और वो किरदार मुझे 14 साल के बाद मिला। मैंने 14 साल इंडस्ट्री में काम नहीं किया, 14 साल का वनवास काट के मैं लौटा हूँ। तो मेरी यही प्रार्थना है कि जैसे भगवान राम का वनवास ख़त्म हुआ था तो मेरा भी वनवास ख़त्म हो और मैं फिर से अच्छा काम कर पाऊँ। बहुत ही खूबसूरत फिल्म, बहुत ही अच्छी फिल्म, बहुत ही मैसेज वाली फिल्म। अगर आप सब ने मैंने प्यार किया को पसंद किया तो आप इसे भी पसंद करेंगे। ये उस लेवल की फिल्म है और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। आप लोगों से निवेदन है कि आप इसे अच्छी बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाएं, आपके हाथ में बहुत कुछ है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अर्शिया जी के साथ मेरा काफ़ी लंबा एसोसिएशन रहा है और इन्होंने मुझे अलग अलग दो कैरेक्टर निभाने का मौका दिया है। बेहतरीन डायरेक्टर हैं, बेहतरीन फिल्म है, बेहतरीन किरदार हैं इसमें, सारे के सारे जितने भी हैं। एक बड़ी बैलेंस सी फिल्म बनाई है जिसमें सारे रस आपको देखने को मिलेंगे
और न्यू कमर्स को चांस देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है इनकी। ये पोटेंशियल देखते हैं नए कलाकारों के अंदर और उन्हें आगे बढ़कर मौका देते हैं, इससे बड़ा और कुछ भी नहीं होगा। और मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर दीजिए, ताकि इस तरह की फिल्में आगे आएंगी तो नए कलाकारों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और नई प्रतिभाएँ सामने आएंगी। थैंक यू सो मच।